अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सब्बीर कायम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक वीक से थोड़ा सा बीमार था और फीवर हो रखी थी मेरे को और कोरोना जैसे सिम्टम्स थे, तो इस वजह से मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाया। हालांकि मैं आपको हर वीक के अंदर इंशाल्लाह 2 से 5 वीडियो से या उससे भी ज़्यादा देता रहता हूँ, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो जो लास्ट वीक गया वो बहुत ही बुरा गया है, जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और बीमार होने की हालत में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे लोगों के, तो मैं उनका सबका रिप्लाई दे रहा था व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मैसेंजर के थ्रू, लेकिन कुछ भाइयों का अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाया तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा हर तरीके से परफेक्ट हूँ और अभी एक नई एनर्जी के साथ और एक नई शुरुआत के साथ इंशाल्लाह वापस कमबैक किया है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको गल्फ कंट्री की जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड या जो भी अपडेट वगैरह वो मैं अब देता रहूँगा। और आप अगर मेरे वीडियो पे नए आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं यहाँ से एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि लोगों की भी मेंटलिटी हो गई है कि यूए के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फार्मासिस्ट है या फिर नर्स है या इसके अलावा लैब टेक्नीशियन है, तो इस पे हम बात करेंगे कि इसका कारण क्या है कि ये इतना मतलब कंपटीशन आज वहाँ पे क्यों हो गया है और वहाँ पे जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दो दो वैकेंसी के लिए 100 से 150 CV पहुँच जाती है, उनमें से 2 को सिलेक्ट किया जाता है, ये एक कंडीशन बनी हुई है। तो दोस्तों, घबराए नहीं इसी, और ये चीज़ें कैसे क्रिएट हुई है, आज कंपटीशन वहाँ पे क्यों है, इसका कारण क्या है, इस पे हम बात करने वाले हैं। और फ्यूचर के अंदर जो लोग सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम लिखूंगा, DHA लिखूंगा या MH लिखूंगा या हाथ लिखूंगा, तो मतलब वो नर्वस ना हो इस चीज़ के लिए, वो बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ एग्ज़ाम लिखें इंशाल्लाह। और डेफिनेटली यूए के अंदर डेवलप कंट्री है, हमेशा मेडिकल प्रोफेशनल के जॉब है वो बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे वैकेंसीज निकलती जा रही है, लेकिन आज जो एक डिफरेंट कंपटीशन जो क्रिएट हुआ है यूए के अंदर, इस पे हम बात करेंगे कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जैसे ही कोरोना आया, कोरोना आते ही हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ को ना बढ़ाना शुरू कर दिया, जहाँ पे 5 नर्स की नीड थी वहाँ पे 15 नर्सों को लेना स्टार्ट कर दिया। हाल में हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, जहाँ पे 5 नर्सेज की नीड थी वहाँ पे 15 नर्सों को लेना स्टार्ट कर दिया था। तो यूए के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या कि जहाँ पे ये इनके सेंटर्स वगैरह हैं, जो प्राइवेट पोलो क्लिनिक सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल हैं या फार्मेसी के अंदर तो बहुत कम रहा है, और लैब्स वगैरह हैं इनकी, जितने भी मतलब प्राइवेट लैब है या फिर कोई कंपनी की लैब है या फिर कोई चेन लैब है या इसके अलावा कोई हॉस्पिटल वगैरह है, तो इन सब के अंदर हुआ क्या कि जब कोरोना ने एंट्री मारी तो वहाँ पे उन्होंने स्टाफ को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे आउट ऑफ यूए यानी जैसे इंडिया है या पाकिस्तान है या क्या इसके अलावा सूडान है या फिलीपींस है या अदर कोई कंट्री है, वहाँ के जो नर्सेज हैं या लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट है वो वहाँ पे जाने स्टार्ट हो गए, क्योंकि पैकेज अच्छा मिल रहा था, जिस नर्स को 8,000 मिलना चाहिए था उसको 12,000 10,000 दिरम पे कर रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोग वहाँ पे जाने जल्दी जल्दी वहाँ पे जाने शुरू हो गए, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जैसे कोरोना टेस्ट है, जैसे PCR वगैरह है, तो इनके सेंटर्स वगैरह वहाँ पे उन्होंने डेवलप कर लिए, और वहाँ पे जो कोरोना के टेस्ट है या इनसे रिलेटेड बहुत सारे सेंटर्स उन्होंने डेवलप किए, तो वहाँ पे नर्सेज की नीड रही। और इसके अलावा मतलब वहाँ पे टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है या लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, यानी मेडिकल प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ी। तो अब हुआ क्या कि यूए के अंदर प्रेजेंट के अंदर कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो जब कोरोना ख़त्म हो चुका है तो वहाँ पे जो इनको अस्थायी तौर पे रखा था, एक जैसे इनके सेंटर्स वगैरह थे वहाँ पे 1 साल के एग्रीमेंट पे या 2 साल के एग्रीमेंट पे जिन नर्सेज को या जिन मेडिकल प्रोफेशनल को रखा था, तो उनको वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि वो सेंटर्स वगैरह सब बंद हो गए हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जब 15 नर्सेज काम कर रही थी, वहाँ पे 5 की डिमांड है, तो वहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो वहाँ से वो मतलब फारिग हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अब एक्चुअल में क्या है कि जब बंदा 10,000 दिरहम कमा रहा है या 8,000 दिरहम कमा रहा है या उससे 9-10,000 दिरहम कमा रहा है, तो वो बंदा फिर क्या करेगा कि उसको भाई पैसे तो चाहिए, वो पहले से नौकरी कर चुका है, उनको वहाँ का एक्सपीरियंस भी है, तो वो लोग वहाँ पे स्टे किए हुए हैं। तो इस वजह से यूए के अंदर कंपटीशन है, ठीक है ना, कंपटीशन का सबसे बड़ा कारण ये है। तो प्रेजेंट के अंदर लोग जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है
कि सर कोई जॉब है तो बताइए, सर कोई जॉब है तो बताइए। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला बंदा क्या कर सकता हूँ। मेरा काम कोशिश करना है, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। बस अपना सीधा सा फंडा है कि अपन लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा कोरोना की वजह से, जो मतलब नर्सेज वगैरह फारिग हो गए, वो वहाँ पे रुके हुए हैं, वो वहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हैं। इस वजह से यूए के अंदर कंपटीशन है। फ्यूचर के जो मतलब मेडिकल प्रोफेशनल है, लाइक डॉक्टर, फार्मासिस्ट, डेंटल लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ये घबरा ही नहीं कि यूए के अंदर कंपटीशन हो गया है, वहाँ पे जॉब्स वगैरह नहीं है, अलग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या उसका मतलब जो असर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब्स हमेशा निकलते आए हैं, निकलते रहेंगे, ठीक है ना। स्टाफ की हमेशा डिमांड बढ़ती रहेगी, ठीक है। कभी कभी कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, मेरे पास दूसरा है कि मैं जब 8 दिन से वीडियोस वगैरह नहीं बना पाया, तो मेरे को व्हाट्सएप पे जो सबसे ज्यादा अगर मैसेज आए वो है ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के लिए। तो दोस्तों, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर बोला है कि यूएई बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, वहाँ के रूल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो बिना एग्जाम आप है ना फार्मासिस्ट का वहाँ पे जॉब करना बहुत कम चांसेस है। आप 1% चांस मान के चलिए। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया से आपको विजिट करना पड़ेगा यूएई के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पे जॉब सर्च करना पड़ेगा, आप अपने रिस्क पे जाए, ठीक है। आप रिस्क पे जॉब सर्च करें, मिल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर आपको रिटर्न आना पड़ेगा। तो दोस्तों, जितने भी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट है जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट है, तो वो क्या करे कि एग्जाम लिखे, आप एग्जाम की तरतीब करें। अब एग्जाम कौन सी लिखे, आज के टाइम में वहाँ पे कंपटीशन है, और 3 प्रकार की वहाँ पे एग्जाम होती है। एक होती है DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, जो दुबई का जो एरियाज है वो कवर करती है। एक होती है हाथ SWD, वो अबू धाबी साइड का एरिया कवर करती है। एक होती है MOH, जो इनकी तीसरी एग्जाम है, वो इनका जैसे शारजा है, रास अल खैमा है, फुजैरा है, अजमान है, ये एरिया कवर करती है। ये 3 प्रकार के एग्जाम हो गए। इस पे मैंने एक स्पेशल बहुत शानदार एक अच्छा वीडियो बना रखा है, अगर कोई बंदा नहीं आया है तो वो वीडियो जरूर देखें इंशाल्लाह, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनके अंदर प्रेजेंट के अंदर अगर एग्जाम की बात करें, तो चाहे ट्रेनिंग फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे डॉक्टर हो, बेटर है कि वो MOH लिखे, ठीक है ना। MOH इसलिए लिखे कि MOH वहाँ की वो एग्जाम है जो बहुत लंबा एरिया कवर करती है, और इनका जो शारजा साइड का जो एरिया वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि यूएई और अबू धाबी ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो वो उनका जो मेन फोकस है वो शारजा इस साइड रहता है। तो बेटर है कि आप MOH लिखिए। MOH पे मैंने एक वीडियो बना रखा, पूरा कंप्लीट किया, एग्जाम के बारे में, फीस के बारे में, सब के बारे में बता रहा है। दूसरी बात, क्या फिर आप हाथ को सेकेंड प्रायोरिटी दिए। हाथ का सेकेंड प्रायोरिटी देने का कारण ये कि हाथ इनका जो कैपिटल वहाँ पे यूज होता है, और उनकी सैलरी भी अलहमदुल्ला बहुत अच्छी होती है। एग्जाम थोड़ी सी हार्ड होती है, बेटर देन DHA और MHO, लेकिन अगर स्कोप की बात करें तो हाथ का स्कोप अच्छा है, ठीक है ना। और DHA अभी तीसरे पे रखिए आप, क्योंकि DHA लोगों ने बहुत DHA करके बहुत एग्जाम लिख लिए, और वहाँ पे जो सबसे ज्यादा मतलब सामना, जिन लोगों को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, वो DHA के स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो ये वहाँ की एक्चुअल न्यूज है जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।